इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर अब जन सैलाब उतर आया है। बांग्लादेश की सेना और सरकार के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उनके घरों में आग लगाई जा रही थी। लेकिन अब बारी है अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हुए हर जुल्मों के हिसाब की। बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं, सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का हिसाब मांग रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर चित्रकूट पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी ने स्वामी राम भद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। रिपोर्ट आप सबको दिखा। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आधारित बनी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के ट्रेलर को धर्मनगरी चित्रकूट से जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने रिलीज कर दिया है। इस दौरान फिल्म निर्माता जितेंद्र नारायण और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा समेत कई फिल्मी किरदार मौजूद रहे। ट्रेलर में दिखाए गए हिंदुओं के साथ अत्याचार को देखकर भावुक हो गए। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदुओं के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। वहीं इस फिल्म को लेकर जगतगुरु का कहना है कि इस फिल्म को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे हर हिंदू जागृत हो जाए और प्रत्येक हिंदू के अपमान का दंड हम उन्हें देंगे और भारत में हम 80% हिंदुओं की संख्या को करके रहेंगे, इसके लिए अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बरेली में कट्टरपंथी ने मोदी सरकार को धमकी दी। सोशल मीडिया के जरिए कहा, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और अब भारत की बारी है। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। बांग्लादेश में अशांति के बीच अब भारत में कुछ ऐसी कट्टरपंथी ताकतें हैं जो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ही देखना चाहते हैं। इस तरह की बातों के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कट्टरपंथी शख्स ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश तो हो गया, अब भारत का नंबर है। बरेली के रहने वाले इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काव पोस्ट डाला गया, जिसके संबंध में जांच की गई तो वह पोस्ट हासिब अंसारी पुत्र स्वर्गीय वहीद कस्बा नवाबगंज का पाया गया, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 319/24 धारा 353(2) BNS में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात की धमकी देने वाले शख्स का नाम अफसर अहमद है और ये अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चलाता था। और देखिए, अगस्त के महीने में देश भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। हर तरफ पानी हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। एक मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। इन दिनों बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में भीषण तबाही मची है। पानी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देश के अलग अलग राज्यों से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ बारिश से सबसे बुरे हाल है हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए, जिन्हें बुलडोजर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल के साथ उत्तराखंड में भी बारिश से बुरे हाल है। राज्य के अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चमोली में भी लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा गिरकर हाईवे पर आ गया। 7 बच्चों के पानी में डूब जाने से मातम की ये तस्वीर राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां पानी के तेज बहाव में 7 बच्चे डूब गए। नदी में बहती कार की ये तस्वीर पंजाब के होशियार की है, जहां नदी के तेज धार में एक एक कार बह गई, जिसमें महिला और बच्चे समेत 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई।
इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बाद अब मायावती की बसपा भी चुनाव लड़ने की, जहां मायावती ने इसका ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। उपचुनाव में मायावती की एंट्री से चुनावी रण रोमांचक बन गया है। पिछड़ों के वोट बैंक पर मायावती की खासी पकड़ है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा अखिलेश की पीडीएफ फॉर्मूले पर चोट करने वाली हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही। बसपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के बेहतर रिजल्ट को लेकर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा। अभी नाम ऐलान, मैंने बोल दिया कि परिवार दल अलायंस उनका है, पीडीए के लिए कहाँ वो काम करते। अगर पीडीए के लिए काम करते तो आज जो है उनके कांग्रेस के और समाजवादी के नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खाली अकेली माननीय बहन जी हैं जो SC ST का आरक्षण के लड़ रहे हैं। ये लोग कहाँ संविधान दिखाने वाले लोग। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ी है। मायावती और उनकी पार्टी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 सालों में ये दूसरी बार हुआ कि लोकसभा में मायावती एक भी MP नहीं पहुंचा पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यूपी में 2007 में बहुमत की सरकार बना चुकी हैं, लेकिन अब विधानसभा में BSP का सिर्फ एक विधायक है। ऐसे में उपचुनाव में प्रत्याशी उतारना मायावती की जरूरत और मजबूरी दोनों बन गई है। मायावती को किसी जमाने में दलितों का मुखिया माना जाता था, लेकिन अब वो दलित भारतीय समाज पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी में बट गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बसपा का वोट शेयर घटकर 9.38% रह गया। मुस्लिम वोट बैंक भी अब मायावती के साथ नहीं रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा को 44% जाटा वोट और 15% गैर जाटा वोट मिला। सूत्रों की माने तो बसपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय करने के संकेत भी दे दिए हैं। फुलपुर विधानसभा सीट से शिव बरहन पासी को टिकट मिल सकता है। मिर्जापुर की मंजवा विधानसभा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं अम्बेडकर नगर की कटहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बची हुई 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। यूपी उपचुनाव को लेकर रघुराज सिंह का कहना है कि हम सभी 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारी जो भी कमियां थी उन्हें दूर कर लिया है। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है। अयोध्या में दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में सपा जहां बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी निषाद पार्टी के जरिए दलितों को अपने पाले में करने की जुगत में है। सपा भी PDA के बाद ब्राह्मण वोटों को साधने में जुटी है। जिस दिन से चुनाव की सुगबुगाहट चालू होती है या कोई सीट खाली होती है, उसी दिन से पार्टी हमारी काम में लग, कार्यकर्ता हमारे उस संगठन के काम में या चुनाव जीतने के लिए लग जाते हैं। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का यह संकल्प है। बीजेपी और सपा की खींचतान के बीच अब बसपा की एंट्री से उपचुनाव का रण रोचक बन गया है। अब देखना यह होगा कि क्या मायावती की पार्टी एक बार फिर सपा के वोट काटती है या अपने दम पर इस उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।